इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक रीजनिंग की पजल। साथियों, ये जो पजल है इसको अगर हल करने के लिए आप बैठोगे, चाहे गुणा भाग करो, चाहे जोड़ घटाना करो, कैसे भी अंक करो, इतनी जल्दी साथियों मैं लेके आया हूं आपके लिए एक मैथ की समझो या रीजनिंग की समझो पजल है, ठीक है साथियों। अगर इसको कोई बच्चा भी एक सॉल्व कर सकता है, हल कर सकता है, इस पजल को आंसर निकाल सकता है, लेकिन अगर दिमाग की बत्ती नहीं जले तो इसका एक बूढ़ा भी हल नहीं निकाल सकता। क्यों? इतनी आसान पजल है। सोचो एक मिनट, वीडियो आप सभी स्टॉप कर दो, फिर दिमाग लगाओ कि देखो क्या है। इस वीडियो स्टॉप कर दिया, अब देखो कि इसमें क्या जोड़े की घटाए पांच आ जाए, कि सात एक एक जीरो है, इसमें क्या करे कि एक आ जाए, फिर पांच चार तीन दो है तो जीरो आ गया, फिर है छह चार दो जीरो, फिर दो आ गया, फिर इधर देखते चार है छह आठ है जीरो है, फिर चार आ गया, फिर एक चार नौ आठ है तो इधर चार आ गया, फिर है चार आठ है दो है, फिर चार आ गया, फिर जैसे चल रहा है 2022। तो इसका आपको आंसर बताना है क्या करें। पजल है साथियों, कहते हैं कि पजल के लिए दिमाग का जो घंटी है इसको दबाओ, बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, अपने मेंटली स्ट्रांग हो। कैसे देखो कितना मेंटली स्ट्रांग हो, आप अपने को चेक करो कितनी जल्दी आप इस पजल को हल कर सकते हो। तो साथियों हमें लगता है आपने वीडियो स्टॉप करके ट्राई किया होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसको पजल कैसे। साथियों मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में, इसको एक छोटा बच्चा भी नर्सरी क्लास का भी हल कर सकता है पजल को, अगर उसको बता दिया जाए, ठीक है साथियों। तो अब जान लेते हैं, पजल बहुत आसान है। देखो यहां क्या है, एक जीरो है एक, फिर दो जीरो दो, तीन चार पांच, पांच आ गया, ठीक है साथियों। फिर इसको क्या करना है, यहां देखो इसमें कितने गोला है, एक ही गोला बन रहा है एक, तो एक आ गया, ठीक है। फिर यहां पांच चार तीन दो, इसमें तो कोई गोला ही नहीं है, किसी में है नहीं है, तो आपका यहाँ जीरो आएगा, तब कोई जब कोई गोला नहीं तो जीरो। फिर इधर देखते हैं एक गोला, फिर दो गोला, तो दो आ गया। यहाँ पे मैंने बताया था इसको नर्सरी क्लास के बच्चे को अगर बता दिया जाए वो भी कर लेगा। अब बात कर लेते इधर देखते हैं, देखो ये छह है, एक गोला दो गोला तीन गोला, चार आ गया, फिर एक गोला दो गोला तीन गोला, चार आ गया, फिर एक गोला दो गोला तीन गोला चार गोला, चार आ गया। अब इसमें इधर क्या 2022 का आ गया, यहां देख रहे होंगे एक ही गोला है, एक गोला है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा एक, ठीक है साथियों। तो आपका ये आंसर एक आ गया साथियों। बहुत ही आसान पजल थी, लेकिन बस समझने की जरूरत थी। आप भी किसी से क्वेश्चन ऐसा, अगर मेंटली स्ट्रांग आप किसी को चेक करना चाहते हो आईक्यू, तो आप भी ऐसा क्वेश्चन बना के पेश कर सकते हैं उसके सामने, कि जिसमें ऐसे नंबरिंग करके आप पूछ लो उससे, वो देखो कितनी देर है, और बहुत आसान है। तो साथियों अगर आपको एक पजल जो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उनसे ऐसे क्वेश्चन बना के पूछिएगा कि वो हल कर सकते हैं कि नहीं हल कर सकते, ठीक है साथियों। तो साथियों नेक्स्ट टाइम फिर मैं कोशिश करूंगा एक पजल अच्छी सी लाने की। तो साथियों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।